जो मैंने पहले पिक्चरों में नहीं किया इसमें कुछ डिफरेंट होगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। और ये जो पिक्चर है बड़े प्यार से बनाई जा रही है, बड़ी डेडिकेशन के साथ बनाई जा रही है। देयर इज अ मोटिवेशन बिहाइंड दिस एंड आई विश द टीम ऑल द बेस्ट एंड आई एम श्योर विल हैव गुड पब्लिक सपोर्ट। एंड नाउ दिस इज द ट्रेंड, नाउ दिस काइंड ऑफ मूवीज आर बीइंग मेड एंड दिस इज द ट्रू लाइफ यू विल लव टू सी ऑन द स्क्रीन। बाकी पेपरों में या न्यूज़ में तो खबरें जाती है, लेकिन ये जो है विल हैव टू लिव द स्टोरी, वी हैव टू बी देयर द रियल लोकेशन एंड एवरीबडी विल लव इट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ओके रंजीत जी, ब्रीफिंग दी गई थी आपको इस फिल्म के लेकर, स्टोरी को लेकर, कि जो गलवान वैली में इंडिया और चाइना के बीच जो फाइट हुआ था दोनों के बीच में, जब हिंदुस्तान के जो सैनिक थे मरे थे उनका उन्हें आंकड़ा दे दिया था हिंदुस्तान, लेकिन चाइना ने नहीं दिया आंकड़ा आज तक। वो ये नहीं मानता कि हमारे भी सैनिक मारे गए, क्या वो ये चीज़ इसमें दर्शाया गया है या दर्शाया जाएगा या बताया गया है? No, that I cannot say because that depends upon the director and the demand of the story. If it is that important, it's not a documentary, it is a total, complete, very professional film and emotional film. And jo wahan par hua tha, definitely we'd like to show them and let the truth come in front of the camera. सुभाष की एक फिल्म तो मैंने की है, वो आई एम होपफुल कि हो सके उतनी जल्दी ये फिल्म जो की है ऑलरेडी वो आएगी। लेकिन इसमें भी ऑपरेशन अक्साई चीन, इसमें भी उसने मुझे लेट रावत साहब की मम्मी का किरदार निभाने के लिए मुझे बुलाया है and I will try, I'm thankful, I will try my best to give the justice, I will try my best to give the justice while playing the role. Dekhte hain kya hai, kaisa hai. I wish ke mere producer jo hai, mera director jo hai aur baki sare log, inko main shubhkamnaye deta hu. सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारा ऑपरेशन अक्षय चीन उसकी फिल्म के लिए आप लोग यहाँ आए और आप लोगों की दुआ से ही ये फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी मिले। नमस्कार, मेरा नाम पुरुष डेबू है, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ और आप सब लोग मुझे मुन्ना भाई MBBS के डॉक्टर रुस्तम पावरी के किरदार से पहचानते हैं। मैं ये ऑपरेशन अक्षय चीन की फिल्म में एक बहुत खास किरदार कर रहा हूँ, इट्स विच इज़ अ वेरी की पाइवोटल रोल। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोड्यूसर जयशवाल साहब और डायरेक्टर सुधांशु सर का कि जिन्होंने मुझे इस फिल्म में कास्ट किया है। और मेरा शूट जो है वो उत्तराखंड में है और ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा कि जिस फिल्म एक सत्य कथा, एक सत्य घटना पे बन गई है और आज हमारे देश के जो नौजवान लोग हैं इनके लिए एक प्रेरणा बन सकती है कि हमारी इस फिल्म से हिंदुस्तानियों को पता चले कि हमारे देश के जो सेना है, मिलिट्री है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, आज वो लोग हमारी देश पे सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं, तो हम लोग रात को सुरक्षित नींद ले सकते हैं। और हम लोग बहुत आभारी है हमारे देश के आर्मी, मिलिट्री से, नेवी और एयरफोर्स से। 15 जून, जस्ट ऑलमोस्ट 2 years बैक, सो दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन दैट डे। इट वॉज अ वेरी डार्क नाइट, वी लॉस ऑलमोस्ट 20-21 सोल्जर्स ऑन दैट डे। And this film is all about those soldiers who died on that day. That was not the only thing. The thing is that we people who all are sleeping in our AC
calmly that mostly people don't, we civilians don't know how tough life is for these soldiers. Soldiers, basically these soldiers, when we went to that place, we saw that they are struggling for food, they are struggling for air, I mean oxygen, they are not getting proper oxygen as well. So their life is very miserable, what I saw. And they are struggling each and every second to live life. They are not able to get internet access. They are not able to speak to their family up to 5, 6 months. They are fighting for proper, normal life. So that is very unfortunate that we people never understand what kind of problem they are facing. ये आज जब दो तीन दिन पहले जब मुझे इनवाइट इस ये जो फिल्म की जो आज जो इवेंट था उसके लिए जब मैं बात की गई, मुझे अंदाज नहीं था कि इस तरह की फिल्म आज जो मैंने यहाँ पे दो एक घंटा बिताया है, इतना बेहतरीन सब्जेक्ट इस टाइम में इस वक्त में इतना महत्व का है कि आई वुड रियली लाइक टू थैंक एंड आई अप्रिशिएट द इनवाइट फ्रॉम रॉयल एंड अवनी जी द प्रोड्यूसर्स एंड सुधांशु जी ऑल्सो सत्यदेव जी एंड माय वेरी डियर फ्रेंड फ्रॉम इस्कॉन जय प्रभु जी. आज जो जिस रंजीत साहब हमारे कमांडर साहब जो मिले आज हमें और हमें जो ग्राउंड रियलिटीज होती है जो हकीकत होती है बॉट इसके ऊपर जो ये फिल्म बनाई गई है आई जेन्युइनली लुक फॉरवर्ड टू बी आई जेन्युइनली लुक फॉरवर्ड टू बी सीइंग द फाइनल प्रोडक्ट एंड आई एम श्योर दैट इट विल कम आउट वेल. एंड जितने जो भी ऑडियंस अपनी अभी इस प्रकार का फिल्म जनर ऑफ फिल्म्स का इंतजार कर रही है, आई वुड लाइक टू वंस अगेन विश देम ऑल द वेरी बेस्ट इन इट्स सक्सेस. द फिल्म वेयर मिस्टर जय प्रभु ऑफ इस्कॉन, मिस्टर सुधांशु, मिस्टर रोहिल, मिस अवनी, ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट. I wish them great success. ऑपरेशन सी नक्साई, ये सच्चाई में जो हुआ था, मैं आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बॉर्डर पे हुआ था एक्साई चीन में, जो जिस बहादुरी से हमारे जवानों ने चीन लोगों को वहाँ से मार भगाया, ये सत्य को हम अपने फिल्म के माध्यम से दिखाना चाहते हैं. हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि जैसे हमारे जवानों ने ऐसा कुछ किया नहीं, या जो भारत की हार में अपनी हार समझते हैं, जो चीन की जीत में अपनी हार समझते हैं, जो असलियत में हमारे जवानों ने बहादुरी दिखाई और जिस तरह से उन्होंने वहाँ से चीन को भगाया, उसी पर फिल्म आधारित है और बहुत जल्दी ये सिनेमा घरों में आएगी. मिशन अक्षय चीन बहुत ही अच्छा नाम है और देशभक्ति से सराबोर है. मैं कहता हूँ कि आर्मी, हमारे जो फौजी भाई है, एक फिल्म में संजीव कुमार साहब ने कहा था कि सिविलियन आर्मी का कभी कर्ज उतार नहीं सकता, सिविलियन आर्मी को कभी छू नहीं सकता. धरती के दो ही भगवान हैं, जय जवान जय किसान. और मुझे लगता है कि इन दोनों भगवानों को हमें हमेशा हमेशा हर वक्त झुक के नमन करना चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए. और कर्जदार तो हम इनके ही रहेंगे. तो आर्मी पे ये फिल्म बन रही है, शाहरुख साहब भी फिर से फौजी से शुरू हुए थे, आर्मी फिल्म में काम किया और अब जवान का प्रोमो भी आ गया. तो मुझे लगता है कि हर आर्मी का जो जवान होता है वो अपने आप में रियल हीरो होता है और ऐसे रियल हीरो को हमारा सलाम है.
ये फिल्म जो बन रही है, इस पूरी टीम को मेरी शुभकामनाएं, भगवान करे, ईश्वर करे, ये फिल्म हर मंजिल को फतेह करे, हर जंग को जीते और देशभक्ति का जज्बा जो है, जो हमारे देश के अंदर और हमारे ब्लड के अंदर फूट फूट के भरा हुआ है, इसे उजागर करे, रोशन करे। और चीन की तो ऐसी तैसी कर दी, उसने कोरोना भी परेशान किया था, इसमें भी परेशान कर रहा है चीन। अब तुम नामचीन नहीं, तुम तो मतलब समझ लो कि बहुत चीनी नहीं, तुम कड़वे हो रहे हो तुम तो भैया। अब फौजी जो है हमारे संभाल लेंगे। सो ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय जवान जय किसान। ओके सर, सुधांशु सर आए थे मेरे फादर के पास इस स्टोरी लेकर के, इनके दिल को बहुत भा गई। फिर पापा ने मेरे को बोला, तो आजकल क्या है ना, कंटेंट एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है, आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेजेबल नहीं मिलेगा आजकल कंटेंट में, कुछ इंस्पायरिंग नहीं मिलेगा। इस फिल्म के थ्रू वी वांट टू इंस्पायर द यंगर जनरेशंस, वी वांट टू शोकेस द एंटायर नेशन की हमारे सोल्जर्स क्या 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 सहते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ पीछे छोड़ करके अपने देश को बचाने के लिए, अपने दुश्मनों से बचाने, हम एक नॉर्मल जिंदगी ताकि सिविलियंस जी सके, राइट, उसको संभालने के लिए क्या क्या वो किस चीज़ से दौर से गुजरते हैं। जैसे उन्होंने बताया कमांडर सर ने, -35 degrees, हम सोच नहीं सकते। यहाँ पे मुंबई की सर्दी, दिल्ली की सर्दी, थोड़ा सा टेम्परेचर गिर जाता है एंड सब हम सब अपने कंबलों में जा कर के बैठ जाते हैं, बट -35 degrees कोई सोचता नहीं है। तो वो स्ट्रगल को शोकेस करना ताकि लोग उस चीज़ को जाने, एक एक पहल है हमारी ताकि लोग उसकी तरफ आगे बढ़ें, हमारे यंगर जनरेशन हमारे आर्मी को ज्वाइन करना चाहें, तो ये। और मुझे तो लग रहा है कि इस फिल्म के वजह से शायद मैंने अपने देश के सैनिकों को लिए कुछ कर पा रहा हूँ। होता क्या है कि हम लोग ये आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि बस फिल्म देखे, कोई इंजॉय फिल्म हो, मार धाड़ हो, उस पर ख़त्म कर देते हैं। इस तरह की फिल्में लोग कम पसंद करते, मुझे लगता है, मुझे लगता नहीं, हमारे लिए सबसे अहम है हमारा देश का सैनिक। और उस सैनिक के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा, हमारे यंगस्ट को बताना पड़ेगा हमको कि हमारे सैनिक हमारे लिए क्या कर रहे हैं आज की तारीख में। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में ज़रूर बननी चाहिए, और यदि ऐसी फिल्में बनेंगी तो हमारे में भी एक जज्बा होगा देश के लिए। मुझे लगता है आज वो जज्बा नहीं है इतना, 90 लोग एक ही उसमें लगे हुए हैं कि यार मैं, मेरी फैमिली, शायद देश के लिए इतना नहीं सोचते हैं। लेकिन ऐसी फिल्में यदि देखी जाएंगी जो सच सच पे आधारित है, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान के अंदर एक देश की भावना आएगी, देश के लिए कुछ करने के लिए भावना आएगी।